दोस्तों बड़ी खबर मीडिया जगत से आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का आज निधन हो गया। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल होगा। आपको बता दें कि विनोद दुआ काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारे निर्भीक और असाधारण पिता विनोद दुआ का निधन हो गया है। उन्होंने शानदार जिंदगी को जिया। दिल्ली की एक शरणार्थी कॉलोनी में पले बढ़े और 42 साल तक पत्रकारिता की दुनिया में नाम कमाया। वह हमेशा सच की आवाज उठाते रहे। अब वह हमारी माँ के साथ हैं। उनकी पत्नी चिन्ना स्वर्ग में है, जहाँ वे जाएंगे, खाना बनाएंगे और एक साथ यात्रा करेंगे। उनका अंतिम संस्कार कल लोधी शमशान घाट में होगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने विनोद दुआ की हालत गंभीर होने की जानकारी दी थी। मल्लिका ने अपने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि उनके पिता की हालत गंभीर है, उनके लिए दुआ करें कि उन्हें कम से कम तकलीफ हो। वहीं इससे पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विनोद दुआ और उनकी पत्नी चिन्ना दुआ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब चिन्ना दुआ की मौत हो गई थी। वहीं 67 साल के विनोद दुआ मीडिया में एक जाना पहचाना नाम था। विनोद दुआ ने दूरदर्शन के लिए भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने NDTV इंडिया और साथ ही साथ द वायर के लिए भी काम किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विनोद दुआ और उनकी पत्नी को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही विनोद दुआ की सेहत में लगातार गिरावट आती रही। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।